नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। मैं हूं नेहा शुक्ला। चर्चा में आज बातचीत करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिनसे बातचीत के ज़रिए ज़िंदगी क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनसे कई लोगों ने ज़िंदगी जीने की प्रेरणा ली है। ये आज एक सक्सेसफुल मॉडल हैं, बल्कि मैं कहूँगी कि सुपर मॉडल हैं और एक्टर हैं। बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों में कई बड़े सितारों के साथ काम कर चुके हैं। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिनेश जी। आपके बारे में जब मैंने पढ़ा और बहुत जगह पे इंटरव्यू देखे, तो मोस्टली सब जगह मैंने ये देखा कि आप लोगों को जीने की जो प्रेरणा देते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ये पहचान कब मिली और ये शुरुआत कहाँ से हुई? जी हाँ, आपने सही बोला। मुझे लगता है कि आज का जो परिवेश है और जो माहौल चल रहा है आजकल, स्पेशली ये पैंडेमिक के समय से लेके अब तक, लोग जो हैं वो कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ या इंस्पिरेशनल फिगर्स या ऐसे एग्जांपल जिनको फॉलो करके वो अपनी लाइफ में कुछ चेंज ला सकें, या जिन भी हालात से वो जूझ रहे हैं उससे थोड़ा ऊपर उठ सकें, तो एवरीबडी इज़ यू नो उन सारी चीज़ों को लोग ढूंढ रहे हैं जी। तो तब से बस ये पैंडेमिक के टाइम से थोड़ा ज़्यादा मेरे वीडियोस और वो सब वो चर्चा में आने लग गए, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मुझे बुलाया जाता था और बातचीत की जाती थी, तो वहाँ से ये चीज़। और एंड मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जो रिवॉर्ड मुझे यहाँ महसूस होता है कि मैं लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ, वो और किसी चीज़ में नहीं महसूस होता है। जी, आपके बारे में ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि जिस एज में लोग रिटायर हो जाते हैं उस एज में आपने मॉडलिंग शुरू की, एंड आपकी मॉडलिंग को लोगों ने पसंद किया, आपके कैरेक्टर को लोगों ने पसंद किया। आपने सोचा था कि इस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इनफैक्ट बहुत समय पहले से मैंने रिजल्ट्स के बारे में सोचना थोड़ा बंद कर दिया था, जब से थोड़ी मतलब अपने मैं प्रॉब्लम से निकला और थोड़ा स्पिरिचुअली ग्रो किया, तो मैंने ये सोच लिया था कि ठीक है, जो भी काम मेरे पास आएगा मुझे बिना सोचे हुए उसको अपना बेस्ट देना है। तो उसी तरह से बस आगे बढ़ता रहा। और मॉडल एक्टर बनने का तो मैंने कभी मतलब मुझे आइडिया भी नहीं था कि इस एज पे आके एक ये एवेन्यू जो है, करियर ऑप्शन जो है, ये मेरे फ्यूचर के लिए वो ओपन हो सकता है, तो दिमाग में भी नहीं था बिल्कुल। जब पहली बार आप मॉडलिंग के लिए गए, तो उस समय आपने क्या सोचा था कि आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इसी में करियर बनाएंगे आप? मुझे बहुत बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली अपॉर्चुनिटी मिली थी, और बहुत ज़बरदस्ती मुझे मेरे फैमिली वाले लेके गए थे ऑडिशन पे, और मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहता था क्योंकि बहुत सालों के बाद मैं थोड़ा अपनी प्रॉब्लम से निकल के मैंने बाहर जाना आना शुरू किया था, तो मुझे लगता था कि अभी मैं फ़िलहाल किसी से बात ना करूं, कोई मेरे से बात ना करे, और कोई मतलब अपने ही एक स्पेस के अंदर में, यानी आप अकेलेपन में चले गए थे, दुनिया से कट चुके थे, कट चुका था थोड़ा, मतलब नॉट एंटी सोशल बट थोड़ा रेक्लूसिव जिसको कहते हैं, मतलब अपने आप में रहने वाला इंसान मैं बन गया था। और मेरे दिमाग में समय ये बैठ गया था कि हाँ, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इतने साल एक इंसान जो घर में अपने कमरे में बंद रहा है वो एकदम से अगर सोसाइटी में जाएगा, और बाहर बहुत सी चेंजेस आ चुकी थी, तो मुझे लगता था कि मैं पहले एक डेढ़ साल जो है वो अपने आप को कंडीशन कर लूँ, एक्लेमेटाइज कर लूँ जैसे कहते हैं, और उसके बाद फिर देखूंगा कि मुझे क्या करना। तो जब मुझे उस ऑडिशन पर ले जाया गया तो मैं बहुत अनकम्फर्टेबल था, और वहाँ से निकल के भागने की भी मैंने बहुत कोशिश करी, मगर वो जिसे कहते हैं डेस्टिनी वेट कर रही थी और वो सब अपने आप होता गया जी। तो आपकी ही बातों से लग रहा है कि आपको ये लगता था कि आपको कोई पसंद नहीं करेगा जी, और फिर स्क्रीन पर्दे पर आना जहाँ पर इतने सारे लोग एक साथ आपको देख रहे हैं जी, तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि जिंदगी आपके लिए 360 डिग्री टर्न हो गई थी जी। ये जो सफ़र है इसको किस तरह से अडॉप्ट किया आपने, अपनी नई ज़िंदगी को किस तरह से अडॉप्ट किया? जी हाँ, आपने सही कहा बिल्कुल। मुझे थोड़ा सा ये मतलब फर्स्ट शूट से पहले ही ये बात मेरे को थोड़ी सी समझ आ गई थी कि अगर मैं चाहता हूँ एक विजुअल मीडियम में जिसमें मुझे ले जाने के लिए कहा जा रहा है मॉडलिंग में, तो अगर मैं खुद को पसंद नहीं करूँगा और खुद के अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होऊंगा मैं, तो फिर मैं ये उम्मीद कर नहीं सकता कि लोग मुझे पसंद करें।
और मेरे दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि कोई मुझे पसंद नहीं करेगा, बिकॉज जो मेरे हालात रहे थे वो मेरे अंदर एक कॉम्प्लेक्स जो है वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं वो आ चुका था, बिल्कुल घर कर गया था। मगर जब मैं फर्स्ट शूट पे गया तो इस इरादे के साथ गया कि चलो ठीक है, अगर कोई और पसंद नहीं करे कम से कम मुझे अच्छा लगना चाहिए और मैं अपनी मेमोरीज के लिए ही ये शूट कर लेता हूँ, शायद अपनी तस्वीरें देख के मुझे अच्छा लगे। और उसी शूट के दौरान जब मैंने मॉनिटर पे देखा कि रिजल्ट क्या आ रहा है, बीच में जब ब्रेक आती थी, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया कि हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। You started liking yourself on yes, screen. Absolutely. Then लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है, जब आपको सम्मान मिलता है, सबका प्यार मिलता है, तो फिर अपने अंदर आपको एक एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता जाता है और ज्यादा बढ़ जाता जी। है। यहाँ से सिल्वर फॉक्स ऑफ इंडियन मॉडलिंग इंडस्ट्री ये तमगा कब मिला, कितनी कोशिशों के बाद मिला? बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि शुरू में जब मैं मॉडलिंग करता था तो शुरू के कुछ शूट जो है वो मेरे को कलर्ड बालों के साथ, मतलब डाई किए हुए बाल जैसे नॉर्मल होता है, और बिना दाढ़ी मूछ के, और बिकॉज कॉरपोरेट लुक और वो सब चाहिए था उनको, और उन दिनों कॉरपोरेट लुक में बिल्कुल दाढ़ी और उस सब का रिवाज नहीं था। अगेन एक डिजाइन्ड कैरेक्टर, अगर आप किसी प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो जी बिल्कुल जी। तो मुझे लगा कि ठीक है अब इसमें ढलना ही बेटर है। मगर फिर एक शूट ऐसा आया जिसमें ये कहा गया कि आप अगर अपने बालों में कलर छोड़ सकते हैं और थोड़ा सा आप बियर्ड और मोस्टैच जो है वो ग्रो कर सकते हैं तो वो हमारे थीम पे बहुत अच्छा जाएगा। तो वो मैंने किया, तो वो शूट जो है वो बहुत वायरल हुआ और उसमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। तो एक ऐसे छोटा सा, मैं जैसे देखता था फेसबुक पे, और फेसबुक ही था तब, इंस्टाग्राम तो था नहीं, कि लोग जो हैं वो अपने प्रोफाइल के साथ अपने टाइटल यूज़ करते हैं, कोई मिस्टर इंडिया है, कोई मिस्टर गुड लुक्स है, कोई मिस्टर एटीट्यूड है। तो एक ऑनलाइन मुझे छोटा सा कॉन्टेस्ट जो है वो इंटरनेट पे नज़र आया कि बाहर के देशों में सफ़ेद दाढ़ी मूछ वाले लोगों को सिल्वर फॉक्स कहा जाता है। अच्छा। तो एक कॉन्टेस्ट था कि हम सिल्वर फॉक्स जो है वो बेस्ट लुकिंग डिक्लेयर करेंगे और हम इंडिया को भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। इट वॉज अ US बेस्ड कॉन्टेस्ट। तो ऐसे ही मैंने, मतलब जैसे वेले बैठे हुए हैं और कुछ नहीं है, तो मैंने अपनी फोटो उस पर भेज दी। तो इंडिया के लिए उन्होंने मेरे को विनर जो है उसके अंदर चुना। तो मुझे लगा कि यार ये टाइटल मुझे भी यूज करना चाहिए, सब लोग, मेरे पास और कोई मिस्टर इंडिया या मिस्टर मसल या मिस्टर बॉडी या इस तरह का तो कुछ है नहीं, मिस्टर सिल्वर फॉक्स जो एज रिलेटेड भी है। तो फिर मैंने ये टाइटल यूज करना शुरू कर दिया। और इस टाइटल के बाद आपको जो इंडस्ट्री है उसे किस तरह का जो रिस्पांस है वो आना शुरू हो गया था? बिल्कुल 360 डिग्री चेंज आ गया मेरे करियर में, बिकॉज आई गेस आई वाज सबसे पहला मैं मॉडल था ऐसा जिसने ये हिम्मत करी इस इंडस्ट्री में कि बालों को रंगना छोड़ दो और जो एज है अपनी उस एज के अंदर, उस प्रोफाइल के अंदर आप लोगों के सामने आओ। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है इस इंडस्ट्री में कि जो प्रोफाइल निकलते हैं वो आता है योर स्क्रीन एज शुड बी 50 ईयर्स। अब मुझे ये कॉन्सेप्ट जो है वो कभी समझ आया नहीं कि स्क्रीन एज में और रियल एज में एक गैप क्यों दिखाना चाहते हैं। तो मैं ऐसे सब शूट्स को कहने लग गया कि दिस इज माई रियल एज, मैं 57 साल का हूँ, 60 साल का होने वाला हूँ, तो मैं इसी एज के प्रोफाइल करना चाहूँगा। मैं ये स्क्रीन एज के कॉन्सेप्ट को मानता नहीं हूँ कि मैं हूँ 60 का और मैं वहाँ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ एक 45 साल का आदमी। तो वो सब करने से मैंने, तो ये ऑनेस्टी जो है जो एक मेरे कैरेक्टर का हिस्सा है वो लोगों को बहुत पसंद आई। वहाँ इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को पसंद आई? इंडस्ट्री से रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ मैं, जो कास्टिंग वाले थे या जो अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उनको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि हेयर इज दिस गाय जो अपनी एज को छुपाना नहीं चाहता। अदरवाइज तो एक रिवाज है सदियों से बना हुआ कि उम्र नहीं बतानी है। और मेरे घर वाले मुझे बहुत कहते थे, स्पेशली मेरे मॉम मुझे बहुत कहते थे कि क्यों कहता है कि मैं 57 साल का हूँ, जब तू लगता 45 का है तो 45 बोल। तो मगर आई रिफ्यूज टू डू दैट। तो वो चीज लोगों को ऑनेस्टी जो है पसंद आई। हाँ जी। तो आपकी बातों से लग रहा है कि ऐसी इंडस्ट्री जिस पर ये आरोप लगते रहे, मैं कहूँगी क्योंकि आई एम अ न्यूज़ पर्सन, ये आरोप लगते रहे हैं कि
समय से पहले ही मदर रोल ऑफर किया जाने लगता है जो थोड़ी सी ज्यादा एक्सपीरियंस वाली एक्ट्रेसेस होती हैं या फिर एक्टर होते हैं, या फिर बड़ी बहन का रोल दिया जाने लगता है, तो ये एलिगेशंस क्या फिर फॉल्स है या फिर अभी जाकर अब जाकर जो है चेंजेस आ रहे हैं? देखिए, ये सब इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हैं इस इंडस्ट्री का कुछ, क्योंकि हम अदरवाइज ही पैट्रियार्कल सोसाइटी में हैं, तो इंडस्ट्री भी जो है उसी का एक रिफ्लेक्शन है। या हीरोज़ की लाइफ स्पैन जो है वो ज़्यादा लंबा होता है और बहुत फेमस, व्हिच इज अगेन कंट्रोवर्शियल, इट्स कंट्रोवर्शियल एंड दे आर, मतलब उनको अपने ऑपोजिट हीरोइन जो है वो अपनी आधी से भी कम उम्र की लड़कियां जो हैं वो, और हीरोज़ जो है बहुत प्राउडली इस चीज़ को कहते हैं। और मैंने अभी सुना भी है एक बहुत बड़े हीरो को बोलते हुए, मैं नाम नहीं लूँगा, कि मैं हूँ पचपन का पर क्या मैं लगता हूँ पचपन का। तो मुझे ये सब चीज़ें थोड़ी ऑड लगती हैं। I guess I understand. Yes. तो मैं 63 का हूँ और मैं बहुत इस बारे में प्राउड हूँ कि मैं 63 का लगता हूँ और लगना चाहता हूँ, और उसी से रिलेटेड जो प्रोफाइल हैं उनको मैं उन प्रोफाइल्स में मैं नजर आना चाहता हूँ। हम ये एग्जांपल क्यों नहीं सेट कर सकते कि एक 55 साल का इंसान या 63 साल का इंसान ऐसा लग सकता एक ही है, जिंदगी जी सकता और है। ऐसा लग सकता है जी, हमेशा अपने से छोटा लगना जो है वो जिंदगी का एम क्यों एक होना मकसद चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या बात कही है आपने जी। तो इसलिए जितने एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं या बालों को रंगने के प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं कॉन्शियसली ना करता रहा हूँ। बहुत ही एक अच्छी पहल और एक नेक कदम है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं चर्चा में यहाँ पर, और चर्चा से जब लौटेंगे तो वापस दिनेश जी की जो सच्चाई है, जिस सच्चाई से वो अपनी बातें बता रहे हैं, उसको और टटोलने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। मैं हूं नेहा शुक्ला और आज हमारे खास मेहमान हैं दिनेश मोहन, एक जाने माने सक्सेसफुल सुपर मॉडल एंड बॉलीवुड एक्टर। दिनेश जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने एज शेमिंग की बात कही थी कि बालों को क्यों रंगना है या फिर क्यों झूठ कहना है कि मेरी उम्र कम है, उम्र क्यों छिपाना है। तो लेकिन हम जिस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, चाहे सोसाइटी की बातें की जाए, तो एक उम्र के बाद ये कहा जाने लगता है कि तुम्हें इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तुम पर ये शोभा नहीं देता है, ये सोसाइटी के रूल्स के अगेंस्ट है। आपको भी इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, और डेली बेसिस पे करना पड़ता है अभी तक सक्सेसफुल होने के बाद भी, क्योंकि सभी आपको जाने आप क्या काम करते हैं और आपका क्या नाम है ये ज़रूरी नहीं है। तो बहुत से लोग हैं जो जानते नहीं, जिन्हें बैकग्राउंड नहीं पता, स्ट्रगल नहीं पता, स्टोरी नहीं पता, दे जस्ट मेक अ यू नो जजमेंटल कमेंट। और देखिए इसमें सबसे ट्रिकी क्या रहता है कि दे कॉल यू बुढ़ा, राइट? और बूढ़ा जो है वो एक रिस्पेक्टेबल वर्ड भी है, बट आज के परिवेश में अगर किसी को एज शेम करना हो तो ये एक बहुत ऑब्जेक्शनेबल टर्म है। किसी को आसानी से बूढ़ा कह देना, अंकल कह देना, और ये एक्सपेक्ट करना कि अब ये एज रिलेटेड जो है, बट ये सारे नॉर्म्स जो हैं सोसाइटी के, ये डिसाइड करता कौन है? बिल्कुल, हु डिसाइड्स देम। और मेरे अपने हिसाब से सोसाइटी जो है वो हमने बनाई है, हमें सोसाइटी ने नहीं बनाया। सोसाइटी इज अ टूल फॉर आवर कन्वीनियंस, राइट? अगर वो टूल जो है जो हमने बनाया है अपनी कन्वीनियंस के लिए वो हमें ही स्टाइफल करने लग जाए या सफोकेट करने लग जाए तो उसका फायदा क्या? अब बाई चांस हुआ क्या कि यही काम मॉडलिंग और एक्टिंग का ये कुदरत ने मेरे रास्ते में भेजा, और उसमें जो मुझे ज़रूरी लगता है अपने रूल्स के दायरे के अंदर वो सब मैं करता हूँ, और क्यों ना करूँ। मैं अगर मैं फटे हुए कपड़े डाल रहा हूँ तो मैं डाल रहा हूँ, मैं किसी और को नहीं कह रहा कि अगर मुझसे मिलना है तो फटे हुए कपड़े डाल के आना। यू नो इट्स माई बॉडी, इट्स माई लाइफ, आई कैन डिसाइड कि मैं क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूं। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि क्योंकि ये आपका प्रोफेशन है या फिर आपका पेशा है, लेकिन अगर किसी का प्रोफेशन नहीं है जी, तो अगर वो इस उम्र में इस तरह के कपड़े पहनेगा तो भी तो उसे लोगों का जो है पर्सनल चॉइस, एब्सोल्युटली इट शुड बी टोटली अ पर्सनल चॉइस, टोटली पर्सनल चॉइस। इसका प्रोफेशन या आप सही हैं, प्रोफेशन से इतना लेना देना भी नहीं है। मैं इस प्रोफेशन में आने से पहले ही इस तरह के कपड़े अपनी कन्वीनियंस के लिए और अपने शौक के लिए डालने लग गया था, क्योंकि मुझे लगा कि इतने साल मैंने मिस आउट किया है और घर में रहा हूँ, तो मेरी नेचुरल अट्रैक्शन जो है वो
फैशन की तरफ ही जाती थी उन दिनों में। मुझे लगता था जो सब कर रहे हैं मैं क्यों नहीं जो कर सकता। खुशी देती थी आपको। जी बिल्कुल जी। तो इसलिए सही बात है ये, इसका प्रोफेशन से कुछ लेना देना नहीं है। और बहुत से लोग हैं जो कई तरह के लाइफस्टाइल सोसाइटी के परिवेश के अंदर ही जीते हैं, तो अगर वो किसी और को हार्म नहीं कर रहा तो फिर पूरा उनको जीने का हक है। दिनेश जी, आपकी जो सक्सेस स्टोरी है वो ये कह रही है कि एक इंसान जब सक्सेसफुल नहीं होता है और कुछ कर रहा होता है, कुछ बदलने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसको बहुत ताने मिलते हैं समाज की तरफ से। लेकिन जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो ये ताने फिर आपको एक आइडल के रूप में भी देखा जाने लगता है, ये ताने बदल जाते हैं और बिल्कुल तेजी से बदल जाते हैं। तेजी से बदल जाते हैं। ट्रॉल जो है ये शब्द मैंने सुना था जी, मगर मुझे इसका मीनिंग या उसकी फीलिंग का एहसास मुझे नहीं था। और जब मैं थोड़ा सक्सेसफुल हुआ तो मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया कि ट्रॉलिंग जो है वो क्या होती है, वो किस लेवल तक जा सकती है, कहाँ तक लोग जो है आपको नीचा दिखाने के लिए और खुद ऊपर उठने के लिए जो है वो कर सकते हैं। तो बट बहुत जल्दी समझ आ गया कि अगर मैं इनको रिएक्शन देने और इससे अफेक्ट होने के अंदर लग गया या एक्सप्लेनेशन देने के अंदर लग गया, मेरी पर्सनैलिटी जो है वो ऐसी है कि मैं बिल्कुल किसी को कुछ भी एक्सप्लेन करने में बिलीव नहीं करता बिल्कुल भी। तो मुझे लगा ये दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। अगर मैं खुश हूँ और मेरे इमीडिएट लोग जो मैटर करते हैं वो खुश हैं, तो फिर आई डोंट केयर लोग क्या कहते हैं, ट्रॉल किस तरफ जा रहे हैं, क्या नेगेटिव ओपिनियन चल रहा है मेरे बारे में, नो एक्सप्लेनेशंस। पर आपके आसपास की जो दुनिया है, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स के अलावा जो आपके आसपास की सोसाइटी है और या फिर आप जहाँ जहाँ जाते हैं, कितने लोगों में आपने चेंजेस देखे हैं? क्योंकि आप में आपको जब सक्सेसफुल आप हुए या फिर आपके जरिए लोगों को कितने लोगों के जो ख्यालात बदले हैं कि दिखना या फिर उम्र से जोड़ना उसको सही नहीं है, हर एक इंसान की जिंदगी जीने की अपनी अपना तरीका अपना स्टाइल हो सकता है जी। कितना बदलाव देखा? हाँ मैं मतलब मेरा ये मानना है कि जब शुरू में मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था क्योंकि 100 लोगों में से एक को आके एज शेमिंग या इस तरह की बात कर जाता था, मगर बहुत से लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो मेरी लुक्स पे फोकस नहीं है, जो मेरी स्टोरी पे फोकस्ड है, जिनके लिए मैं एक इंस्पिरेशनल फिगर हूँ। मोस्टली लोग आके मुझे एक कमेंट देते हैं कि सर आपने जो किया वो बहुत अच्छा किया और हम चाहते हैं कि हम भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह का बदलाव लाएं। तो आई फोकस ऑन दैट। और आई थिंक कि मेरे सक्सेसफुल होने का बहुत बड़ा रीज़न एक जो एग्जांपल सेट हुई है सोसाइटी में कि आप किसी भी एज में जाके कुछ भी कर सकते हैं, एज इज़ जस्ट अ नंबर, ये सारी बातें जो हैं, तो उसी के ऊपर मेरा पर्सनैलिटी और करियर जो है वो बेस्ड है। आप एक जीता जाता तो इसका उदाहरण बन रहा है जी। एंड थैंक गॉड फॉर दैट कि मुझे इस पोजीशन में रखा ऊपर वाले ने कि हाँ जी। लेकिन मैं बात जब करती हूँ महिला एक्ट्रेस की या फिर वो परफॉर्मर्स की जो मॉडल्स हैं, कितनी एक्सेप्टेंस इंडस्ट्री में आप देखते हैं एक पुरुष मॉडल होने के नाते और एक फीमेल को? उम्र के बारे में आपको लगता है कि उनको ज़्यादा फेस करना पड़ता चैलेंजेस? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए या सैडली कह लीजिए, विमेन को नॉट ओनली एज रिलेटेड बट बहुत से तरीकों से जो है वो जज किया जाता है हमारे समाज में। और जिस प्रोफेशन में, एक तो इस प्रोफेशन में आना जो है वो बहुत बड़ा एक इंडिपेंडेंट और बोल्ड डिसीजन है जो जिस सोसाइटी टिल डेट इन इंडिया आपको लगता है? टिल डेट यस। एंड फिर उसके अंदर आके अपनी जगह बनाना, एंड हैट्स ऑफ टू दोज वुमेन जो छोटे शहरों से आके बिना किसी गॉडफादर या कनेक्शन के जिन्होंने आके अपने बहुत बड़े नाम इस इंडस्ट्री में बनाए हैं। और मेरा ख्याल है वक्त के साथ बदलना जो है वो, और अपने आप को जो आपको रोल्स आ रहे हैं उनके अंदर ढालना और उसी में एक्सेल करने की कोशिश करना, उसको एक्सेप्ट करना जो है वो एक बेटर ऑप्शन है अगर आप अपने करियर में और आगे जाना चाहते हैं। सो अगर सभी लोग ये सोचे कि नहीं, वंस अ हीरोइन ऑलवेज अ हीरोइन, तो वो हीरोइन इज व्हाट हीरोइन डज, राइट, यू नो, नॉट व्हाट शी प्रोजेक्ट्स ऑन स्क्रीन। Exactly. जो आपकी पर्सनैलिटी है वो, आप कितने अवेयर हैं, आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं। तो सिर्फ पर्दा जो है आज हमारी परिभाषा नहीं है कि हम पर्दे पे क्या हैं, हम अपनी रियल लाइफ में जो एग्जांपल सेट कर रहे हैं लोगों के आगे, वो दैट मेक्स एनीबॉडी अ हीरो और हीरोइन। बिल्कुल, सिनेमा शुरू से जो है भारतीय समाज को जो है वो इंस्पायर प्रभावित करता रहा है। और हीरोइन टर्म जो है वो आउटडेटेड है, एवरीबॉडी इज अ हीरो।
जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगी नीना गुप्ता का। उनका जब एपिसोड आया था तो काफ़ी ज़्यादा इस पे बहस हुई, चर्चाएं हुई कि क्या इतना एक सम्मानजनक जो एक्टर है उसको भी एक उम्र की वजह से ही काम मिलना बंद हो जाता है इंडस्ट्री में। तो ये बहुत ही ऐसा लगता है कि दुखदाई लगता है। इट इज़ वेरी सैड, इट इज़ वेरी सैड। बट नीना गुप्ता जी का आपने नाम लिया, शी इज़ अ फिट एग्जाम्पल कि टैलेंट को कभी दबा के रखा नहीं जा सकता। शी स्प्रंग बैक जैसे ही उनको मौका मिला, उन्होंने अपना टैलेंट जो है वो दिखाया और फिर से वो पॉपुलर, और सोशल मीडिया पे भी, इंस्टाग्राम पे भी उनकी मिलियंस में फॉलोइंग है, राइट? सो विच इज़ अ गुड थिंग। एंड आई गेस के उनको बहुत अच्छे अपना टैलेंट को दिखाने के लिए रोल्स जो हैं वो भी अब मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। जी, सिंस यू आर एन एक्टर एज वेल, तो बड़े पर्दे पर काम किया है आपने, और अब दौर आ गया है नेटफ्लिक्स अमेज़ॉन का, तो क्या आपको लगता है कि नेटफ्लिक्स और प्राइम के आने के बाद से, या फिर Z5 जो भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके आने के बाद से, आप जैसे टैलेंट्स को जो है ज़्यादा मौके मिल रहे हैं? जी बिल्कुल सही बात है, और लॉन्जेविटी जो है एक्टर्स की और विजिबिलिटी जो है एक्टर्स की और रियल टैलेंट की, वो OTT प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत बड़ी है। मूवीज़ जो हैं वो बहुत क्लिशेड होती हैं, स्पेशली जिनमें बड़ी स्टार कास्ट होती है, उसमें बाकी सब जो हैं वो बेमाने लगभग होते हैं और सारा फोकस जो है वो मेन कैरेक्टर्स के ऊपर ही रहता है। मगर ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं ऐसे हैं जो हर टैलेंट को आगे लाने में बहुत मदद करते हैं, जो अच्छे एक्टर्स हैं वो बहुत नाम बना रहे हैं, और बहुत से ऐसे एक्टर्स जो बड़े पर्दे पे कभी पॉपुलर थे और बीच में फिर पॉपुलर नहीं रहे, और जैसे बॉबी देओल जी का अगर नाम लिया जाए तो उन सबको मौका मिल रहा है कि फिर से अपने टैलेंट को, तो जिंदगी इन सभी को एक और मौका दे रही है। बिल्कुल दे रही है, विच इज वेरी गुड, विच इज वेरी गुड। ये बदलाव जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक और लूंगी मैं दिनेश जी, एक छोटा सा ब्रेक और ले लेते हैं यहाँ पर चर्चा में, जल्दी हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ, और आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के सिल्वर फॉक्स दिनेश मोहन से। दिनेश मोहन जी, सिल्वर फॉक्स मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव टाइटल लग रहा है, और लेकिन इसी के साथ मैं अपना शो आगे बढ़ाती हूँ। आपने साउथ इंडियन फिल्म में भी काम किया है और आपने बॉलीवुड में भी काम किया है, सलमान खान के साथ काम किया है, तापसी पन्नू के साथ काम किया है। कितना मेजर शिफ्ट है अगर हम बॉलीवुड की बात करें और साउथ इंडियन फिल्म की बात करें, व्हाट डू यू फाइंड? मुझे क्या लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि लोग जो हैं वो लगभग एक जैसे ही हैं। वो डिवाइड जो है वो हमने एक हिसाब से क्रिएट किया हुआ है, और अभी जो प्रेजेंट जो हालात चल रहे हैं जिसमें साउथ की मूवीज़ जो हैं दे आर डूइंग वेरी वेल इंटरनेशनली, नॉट ओनली इन इंडिया मगर उसमें, तो जिससे प्रूव हो गया कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो एक है। तो उसको ये बॉलीवुड टॉलीवुड नॉर्थ साउथ इसके अंदर बांटना नहीं चाहिए। साउथ में थोड़ा जो मैंने नोट किया, क्रिएटिव प्रोसेस जो है वो ज़्यादा, इट्स मोर ओके जी, वहाँ की स्टोरीज जो हैं, वहाँ का फिल्मिंग का तरीका, इट्स ऑल लार्जर देन लाइफ। और आप जिसे एक्चुअली मूवीज़ को एक एस्केप माना जाता था किसी समय पे, मूवीज़ लोग देखने जाते थे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, तो ये साउथ की जो मूवीज़ हैं वो एक बहुत खूबसूरत एस्केप आपको ऑफर करती हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर हैं। सिस्टमेटिक हैं, लार्जर स्केल पे हैं, करेक्टर्स जो हैं वो अलग अलग किस्म के हैं। तो मैंने मलयालम मूवीज़ की हैं, तमिल मूवी की है, और बहुत आई एम वेरी फॉर्चुनेट के मुझे बिना किसी एफर्ट के इन सब इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इंक्लूडिंग हिंदी मूवीज़, तो मुझे एंट्री मिला है। साउथ इंडियन व्यूवर्स की तरफ से जो है आपको कितना जो है वेलकम मिला है, क्योंकि साउथ इंडियन व्यूवर्स बिल्कुल डिफरेंट है, एंड आपकी जो अपीयरेंस है, जो मुझे लगता है इट इज नॉट साउथ इंडियन, इट्स नॉट साउथ इंडियन, यस करेक्ट, बट आई डोंट नो, कोइंसिडेंटली जो मेरा नाम है दिनेश मोहन, विच इज वेरी कॉमन इन द साउथ, या आई नो, सो नाम से सबको लगता है कि आई एम अ साउथ इंडियन, और लुक्स जो है वो साउथ में मेरे को नेगेटिव करेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। साउथ के लोग जो हैं वो बहुत सिंपल और बहुत डिवोटेड होते हैं, जो भी चीज़ उनको पसंद होती है, तो वहाँ पे जो फैन फेयर है, जो मतलब एक फॉलोइंग है आपकी, वो बहुत क्रेजी लेवल पे
चली जाती है और आपको वो इंसान से जो है वो देवता बना देते हैं। जी उस लेवल तक वो लोग उठा देते हैं एंड वो बहुत अच्छा लगता है। और बॉलीवुड जो है वो थोड़ा ज़्यादा, मतलब जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है वो थोड़े ज़्यादा आपको डाउन टू अर्थ वहाँ पे रहना पड़ता है। वहाँ पे सब लोगों को ऑलमोस्ट, जब हम सेट पे होते हैं, बाहर वालों के लिए है कि ये बड़े स्टार हैं, ये आर्टिस्ट हैं, ये करेक्टर आर्टिस्ट हैं, ये फीचर आर्टिस्ट हैं। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा, जो मेरे साथ सबका एटीट्यूड था, जैसे तापसी पन्नू जी, भूमि पेडनेकर, इवन सलमान खान जी, रजनीकांत जी, सब बहुत एक लेवल के ऊपर आपको उस इंडस्ट्री में ट्रीट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का नाक जो है वो हवा में है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो आपके लिए आपका जो एक्सपीरियंस, सबकी अपनी वेरी ह्यूमन, वेरी लाइफ, मतलब सबसे बहुत इक्वल लेवल के ऊपर डीलिंग्स रही हैं इंडस्ट्री में। सिंस यू आर मॉडल एज वेल, तो मॉडलिंग का सफर कितना सक्सेसफुल रहा? क्या फिल्म में आने के बाद अब मॉडलिंग से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो दैट बिकम अ सेकंड प्रायोरिटी? नहीं, नॉट एट ऑल, क्योंकि मॉडलिंग के टुवर्ड्स मेरा बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से रहा है, एक प्रेफरेंस रही है। हालांकि ये कहना बहुत रिस्की हो सकता है, बट आई एम वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि एक समय था जब मैं चल नहीं पाता था, यू नो, बिना मदद के या बिल्कुल ही मदद के साथ भी बहुत मुश्किल था। तो वो जो सारा प्रोसेस है कि आप रैंप पे चल रहे हो, रेडी हो के, चाहे वो जी चाहे वो कुछ सेकंड्स में खत्म हो जाता है, मगर वो एक चैलेंज और थ्रिल जो है वो मुझे बहुत अंदर से बहुत अभी भी अट्रैक्टिव लगता है। तो मैं मतलब उसको बहुत प्रेफरेंस देता हूँ अगर मुझे रैंप वॉक के लिए बुलाया जाता है। यानी जिंदगी की जो सक्सेस की सीढ़ी है, तो सीढ़ी का जो पहला स्टेप है वो आप अभी भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और आप उस पर अभी भी बार बार जो है बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आई एम वेरी प्राउड टू से कि बहुत कम एक्टर्स में से हूँ मैं जिनको एज ए मॉडल भी एक्सेप्टेड हैं, एज ए प्रोफेशनल मॉडल। देखिए, एज शो स्टॉपर तो फिल्म स्टार्स को बुलाया जाता है जी। और रियल मॉडल्स जो हैं वो अंदर से खुंदक भी खाते हैं कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और ये है। मगर आई एम द ओनली पर्सन जो, मतलब मॉडलिंग में भी एज अ प्रोफेशनल मॉडल और एक्टिंग में भी एज एन एक्टर, मैं दोनों जगह पे इक्वली नाम है मेरा। क्योंकि हम मॉडलिंग की बात करें तो मैं भारत की मॉडलिंग इंडस्ट्री को समझना चाह रही हूँ। आपने ये भी कहा था कि आप एज शेमिंग रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको जो है आप नहीं एंडोर्स नहीं करता, नहीं कर रहे, तो इससे कोई प्रॉब्लम्स आई जब आप मॉडलिंग के लिए जाते हैं या फिर आपको अप्रोच किया जाता है? नहीं, क्यों, मुझे ऐसे कोई महसूस हुआ नहीं आज तक। हाँ, ये है कि जो फेलो मॉडल्स हैं या कई कास्टिंग वाले जो हैं वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कई बार जैसे मतलब दे मेक फन ऑफ योर एज, बट छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है आपको। मैंने अपनी एक जगह बनाई है एज दिस ग्रे हेयर्ड, ग्रे बियर्डेड मॉडल, और उसी कॉन्टेक्स्ट में ही लोग मुझे बुलाते हैं। तो ऐसे बहुत से डिज़ाइनर्स हैं आजकल जो बहुत डेयरिंग हैं, जो लीग से हटके जो हैं। अगर मैं फीमेल मॉडल्स की भी बात करूँ तो हम लोग बहुत कलर कॉन्शियस हैं, मगर बहुत से ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जो बहुत हटके सोचते हैं, और उस वजह से जो गर्ल्स ऑफ कलर हैं वो इंटरनेशनली भी और इंडिया में भी आजकल बहुत सक्सेसफुल हैं। तो सेम इज़ विद मी, जो लोग डेयरिंग हैं दे कम टू मी, और जो रूटीन में हैं दे गो टू अदर मॉडल्स। राइट, मैं देख रही थी कि आपके सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, आपके इंस्टाग्राम पे It's जो never है ज़्यादा ये लैक्स में यू हैव फॉलोवर्स। तो जब भी आप कुछ इंस्टाग्राम पे डालते हैं तो किस तरह का रिस्पांस मिलता है फिर लोगों से? आई डोंट रादर, मतलब मच कभी सोचा नहीं है इस बारे में कि क्या रिस्पांस मिलता है। और कई बार कुछ रील्स को या उसको जब मिलियंस हिट हो जाते हैं तो मुझे पता भी नहीं चलता, और जब मैं नोटिस करता हूँ तो फिर आई फील थ्रिल्ड कि ओके, अच्छा ये भी मिलियन व्यूज में चला गया। तो ऑर्गेनिक है सब कुछ, मैंने इतना बॉदर नहीं किया कभी भी। लोग मुझे कहते हैं आपको ब्लू टिक मिल गया, आपने कितने पैसे दिए उसके लिए, हमें भी मिलवा दो किसी से, हम भी ब्लू टिक। मुझे इन सब चीज़ों की समझ ही नहीं है। मैंने इंस्टाग्राम पे एक ऑप्शन सामने आई गेट योर अकाउंट वेरीफाइड, मैंने उस पर वो जो भी प्रोसेस है वो किया और 15 सेकंड के अंदर वो वेरीफाई हो गया। एंड जब भी कोई अच्छा वीडियो आता है, जैसे आज आपके साथ वीडियो कर रहा हूँ, तो फॉलोइंग अपने आप बढ़ती रहती है। बट अगर आप मेरे से ऑनेस्टली पूछें, मैंने लाइफ की वो साइड्स देखी हैं, आई हैव लॉस्ट सो मच इन लाइफ,
कि ये सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम ही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जैसे वक्त आएगा देखी जाएगी। क्या अभी भी ऐसा होता है कि आप हर दिन उस दौर को याद करते हैं जब आप बेड रिडन थे और आपने लगभग 125 किलो जो है वजन? जी एग्जैक्टली, कई बार क्या होता है कि खुद को भी इंस्पायर करने की जी जरूरत पड़ती है, जैसे कुछ भी आपकी लाइफ में, बिकॉज हम लोग सब ह्यूमन हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो मैं फिर ये है कि हाँ मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता इंस्पिरेशन के लिए, मैं अपनी पुरानी तस्वीरें और पुराने इंसिडेंट्स को याद करता हूँ और फिर से अपने अंदर वो चीज़ ले आता हूँ कि नहीं, इफ़ आई कुड ओवरकम दैट विच वर ह्यूज ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं कि कोई मेरी पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहा, कोई मतलब जो प्रॉमिस किया गया था वो डील थ्रू नहीं हो रही, तो मुझे लगता है व्हाट इज दिस, डजंट मैटर एट ऑल, मैं वहाँ से उठाऊँ जहाँ से लोग सोच भी नहीं सकते सपने में भी उठना, तो ये सब चीज़ें तो बहुत मामूली हैं। बिल्कुल, क्योंकि चैलेंज की बात कर रहे हैं, बहुत मामूली है यूथ से चैलेंज लेना, इट्स ऐसा नहीं लगता कि आपके लिए अपने बहुत बड़ा जो चैलेंज है, क्योंकि बॉलीवुड में तो सीधे देखा जाता है कि यूथ्स वहाँ पर जो भीड़ है उनकी वो सबसे ज़्यादा है। नहीं, मैं बिल्कुल इससे उल्टा सोचता हूँ, आई एम सो लकी कि मैं इस एज में आया जिसमें कोई कंपटीशन उस हिसाब से है ही नहीं, वो मतलब मेरे से वो फैक्ट्री वाले लुक्स जो हैं कि सबके सिक्स पैक एब्स हों, इतने ब्रॉड शोल्डर हों, मैं मेल मॉडल्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे हेयर स्टाइल्स हों, और कई बार जब आप फैशन शो को बिना सोचे हुए देखो तो आपको लगता है कि एक ही बंदा बारी बारी कपड़े बदल के सारे मॉडल्स जो हैं वो एक ही जैसे लगते हैं। सो आई एम लकी कि मैं डिफरेंट हूँ, इस एज पे मैंने एंटर किया, शायद पहले एंटर करता तो कोई पूछता भी ना मुझे, तो जो एज है और जो जैसा मैं दिखता हूँ वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है जिसे मैं थोड़ा सा अच्छे से यूज करना मुझे आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, एक और छोटा सा ब्रेक लूंगी दिनेश जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर चर्चा में, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका चर्चा में, और दिनेश मोहन जी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश मोहन जी, आपकी जो पूरी पर्सनालिटी है ये समाज के जो रूढ़ी सोच वाले लोग हैं उनके लिए ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल नहीं हो सकता। जब मैं आपके हाथ में ये टैटू देखती हूँ कि एक नहीं कई सारे टैटू हैं, तो इस पर्सनालिटी को कैरी कर पाना कितना मुश्किल लगता है? नहीं, मैं मतलब एक बहुत फनी सा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले जो मैं बताना चाहूँगा, कि मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गया, मैं कहीं जा रहा था यहीं चंडीगढ़ में ही, और मुझे मैकेनिक मार्केट में जाना पड़ा, और जिस शॉप पे मैंने जाके अपनी गाड़ी खुलवाई और देखने लगा तो वो जो उसका ओनर था वो कुछ मतलब उसकी वाइब्रेशन कुछ मेरे टुवर्ड्स अजीब सी थी, पॉजिटिव नहीं थी, तो वो फनी वे में अपने दोस्तों को इशारे करके दिखाना और मजाक उड़ाने की कोशिश करना और वो सब, तो मुझे लगा कि जब तक ये डायरेक्टली नहीं कुछ बोलता आई शुड इग्नोर दिस। एंड उसके बाद मैं जाके अंदर बैठा, बिकॉज गर्मी बहुत थी, उनके साथ ही मुझे बैठना पड़ा, और बाई चांस कह लीजिए कि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए, मूवी प्रोजेक्ट के लिए मुझे वहीं पे कॉल आ गया तो फिर मैंने भी उस प्रोजेक्ट को जो है बड़ा चढ़ा के फ़ोन के ऊपर जो है वो डिस्कस किया तो उससे उस इंसान की आंखें जो है वो खुली रह गई और वो ऐसे देख रहा था कि यार मैं तो इसको क्या जज कर रहा था। और तो ये जो गैप है ना लोगों की जजमेंट के बीच में और आपकी रियलिटी के बीच में, वो आई एम हैप्पी, आई एम ऑल राइट, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मैंने लाइफ में जो अचीव किया है वो मुझे पता है, और आई एम हैप्पी विद दैट। लोगों का क्या है, नॉर्मल एबनॉर्मल की डेफिनेशन है क्या? जो मेरे लिए नॉर्मल है वो चार कदम दूर किसी के लिए एबनॉर्मल हो सकता है, और जो मेरे लिए एबनॉर्मल है वो मेरे साथ वाले घर में नॉर्मल। स्वतंत्रता की बात होती है एग्जैक्टली, तो हु केयर्स, और इन चीजों में फंस के टाइम वेस्ट भी कौन करेगा जी। अब मैं आपके टैटू में जो बना हुआ है उसके बारे में भी जानना चाहूंगी, क्योंकि हम वैसे तो जो कुछ रूढ़िवादी लोग हैं वो सोचते हैं कि टैटू करवाना ही जो है वो सही बात नहीं होती जी। लेकिन जो टैटू करवाते हैं उनको पता होता है कि वो अपने शरीर पर क्या जो है छपवा रहे हैं, और एक मैसेज देने की कोशिश भी करते हैं, या फिर खुद के लिए जो एक इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो आपका ये टैटू क्या कह रहा है? जी सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा, जो मेरा फर्स्ट टैटू था लाइफ का वो कहता है लिव लाइफ टू इट्स फुलेस्ट, यहाँ आम के ऊपर है वो। और जब मैं साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ले रहा था तो मुझे काफ़ी जब ठीक हो गया था तो ये सलाह दी गई कि आप कुछ ऐसा ऐसी लाइन, ऐसा मोटो या ऐसा कुछ मतलब जिसको
देख के सुन के या पढ़ के आपको एनर्जी मिले रोज बेसिस पे, तो आप ऐसा कुछ करो। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं क्यों ना एक टैटू ही बनवा लूँ। अब ये पता नहीं कहाँ से आया, आई एम सॉरी रूढ़ीवादियों के लिए, आई डोंट नो, तो के टैटू बनवा लेते हैं जिससे मैं बिल्कुल मतलब मेरे ऊपर होगा वो, उसको मैं अवॉइड कर भी नहीं पाऊंगा और देख के मुझे एक एनर्जी मिलती रहेगी। तो फिर दैट वाज माय फर्स्ट टैटू जो मैंने थोड़ा ठीक होने के बाद बनवाया, लिव लाइफ टू इट्स फुलेस्ट। फिर तब तक आपने काफी वजन कम कर लिया जी, बिल्कुल बिल्कुल वजन बिल्कुल मतलब आइडियल वेट पे मैं आ चुका था। फिर एक यहाँ मैंने टैटू बनवाया विच इज सन, और क्योंकि मेरा नाम दिनेश है विच मीन्स सन गॉड, दिन का ईश्वर, तो फिर उसके लिए मैंने बनवाया। मैंने यहाँ गायत्री मंत्र लिखवाया हुआ है पूरा, वो भी अपने आप को इंस्पायर करने के लिए। यहाँ मैंने एक रेंडियर का हेड बनवाया हुआ है, रेंडियर इज एन एनिमल जो बर्फ में से गाड़ी को खींचता है, खींच के ले जाता है, और ये तो ऑब्वियसली बिकॉज मैं शिव भक्त हूँ तो शिव जी का, पर ये कर्म लिखे हुए हैं जी। आई एम ए ह्यूज बिलीवर इन कर्म, कि आप जैसा करोगे कुदरत आपको, या सिर्फ करोगे ही नहीं जैसा सोचोगे कुदरत आपको उसी डायरेक्शन के अंदर ले जाती है, और वो सही डायरेक्शन में मुझे कुदरत ले जा सके तो दिस इज अ कंपस जी। सो ये सब अपने लिए खुद को इंस्पायर करने के लिए। यहाँ पे एक रोमन हेलमेट है, रोमन वॉरियर हेलमेट, जो मैं अपने लिए बहुत अप्रोप्रिएट समझता हूँ, तो वो अपने लिए सिर्फ, कोई शो ऑफ करने के लिए या ये नहीं कि ये फैशनेबल था, जस्ट टू रिमाइंड माई सेल्फ के हाँ ठीक है, दीज आर द चैलेंजेस दैट आई एम फेसिंग, और मुझे इन सब बातों को याद रखना है हमेशा। लेकिन सिंस यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल, तो मैं चाहती हूँ कि कर्म के बारे में, कर्म क्या कहता है इसके बारे में हमारे दर्शकों के लिए कुछ बताइए जी। मेरी बहुत इसमें भी बहुत रेवोल्यूशनरी और डिफरेंट थिंकिंग है, जैसे मैंने कहा कि एक्शन तो है ही है जी, जो हम एक्शन करते हैं उसका रिजल्ट जो है वो हमारे पास आता ही आता है। अब उसको गुड और बैड की परिभाषा भी देने वाले हम ही हैं, कुदरत उस सब चक्कर में नहीं पड़ती है, आपने जो दिया वही वापस आएगा आपको, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। बट कर्मा इज ऑल्सो जो आप सोचते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो ही बहुत बड़ा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप अपनी जिंदगी को अपनी सोच से किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, तो अगर आप अपनी जिंदगी की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव के ऊपर ध्यान ना देना, वो एक बहुत अच्छा कार्मिक ऑप्शन है जिसको आप चूज कर सकते हैं। कई बार दिनेश जी, मैं बिल्कुल भी क्राइम एंड पनिशमेंट और वो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट उसके अंदर बिलीव नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। कुदरत को यही काम नहीं रह गया कि वो डिसाइड करे कि दिनेश ने गलत किया और इसको सजा दो, यू नो आई गेट व्हाट आई डू, सो इट्स अप टू मी नॉट अप टू द यू नो लॉ ऑफ कर्मा। मैं जो करूँगा वो मेरे पास वापस आएगा, तो मुझे डिसाइड करना है कि मुझे अच्छा चाहिए या बुरा चाहिए अपने लिए। दिनेश जी, आपकी जो बात है वो बहुत हद तक सही भी है, लेकिन हमारे सोसाइटी में या फिर भारत के बीच ही, क्योंकि जिस स्ट्रगल से हम गुजर रहे हैं, लगभग हर 10 में से 2 व्यक्ति मैं कह सकती हूँ कि वो किसी न किसी मानसिक तनाव से या परेशानी से जूझ रहा है। ऐसे में आपको कितना लगता है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो प्रभावित करें? आपने अपनी ज़िंदगी खुद अपने मजबूत इरादों से बदली, किसी मोटिवेशनल स्पीकर से प्रभावित होकर बदली, या फिर आपकी फैमिली ही इतनी स्ट्रांग तरीके से आपके साथ रही कि ये बदल पाए? जी, मेजरली फैमिली, बिकॉज मैं अकेले कुछ भी नहीं कर पाता, और थैंक गॉड कि मेरे पास कुछ लोग थे, और जो भी मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं उनको मैं और उनके घर वालों को और दोस्तों को मैं कहना चाहूँगा कि एक कम्युनिकेशन का चैनल जो है वो अगर मिल जाए, एक्सप्रेस करने का मीडियम मिल जाए और कोई सुनने वाला हो, तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। तो मैं इस मामले में बहुत फॉर्चुनेट था कि मेरी फैमिली थी जिन्होंने एक सॉलिड मुझे ग्राउंड दिया हुआ था, जिसपे मैं मुझे लगता था कि हाँ मैं यहाँ से आगे बिल्टअप कर सकता हूँ। एंड आई विश के लोग जो हैं डिप्रेशन को और ये जो अलगाव की स्थिति है इसको ठीक से समझें और बातचीत से इसको सुलझाने की और प्रोफेशनल हेल्प जो है उसको एबनॉर्मल ना माने, ये ना माने कि ये पागल हो गया और इसका इलाज करवाना पड़ेगा एंड ऑल दैट। उन सब कॉम्प्लेक्सेस को, स्टिग्मास को हटा के हमें जो लोग डिप्रेशन में हैं उनके साथ डील करना चाहिए।
मैं ये भी समझना चाहूँगी, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, तो लोगों को एक, मैं चाहती हूँ कि आप एक मैसेज दीजिए कि कब हमें समझ लेना चाहिए कि हमें अब मानसिक परेशानी है और इसकी पहचान खुद ही करनी होगी और खुद ही इसका जो है रास्ता तलाशना होगा। जी बिल्कुल सही बात है, और मानसिक उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि उसको पहचानना और एक्सेप्ट करना कि मैं इस मुझे है ये, हाँ, ये मुझे है, बिकॉज ईगो जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो एक्सेप्ट नहीं करने देती। सब कुछ बिखरने के बाद भी हमें लगता है कि हम ही खुदा हैं, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि नहीं मुझे ये दिक्कत है और मुझे इसको ओवरकम करना है और इससे आगे बढ़ना है, ये एक मेजर फर्स्ट स्टेप है। मेरे केस में ये बहुत लेट हुआ, तभी जो है वो मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खो दिया, और जब मैंने प्रोफेशनल हेल्प सीख किया उसके बाद से मेरी लाइफ जो है वो बट वो एक्सेप्टेंस के बाद आया कि हाँ मैं इस परेशानी से जूझ रहा हूँ। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, मुझे ये चीज़ हो सकती है, इस चीज़ को मानना जो है वो जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जी, और आपकी आने वाली फिल्मों के लिए भी बहुत बहुत आपको हमारी तरफ से बेस्ट विशेज, और आप हमें स्क्रीन पर ऐसे ही नज़र आते रहें। आपकी जो एक व्यक्तित्व है, एक अच्छी अच्छा व्यक्तित्व है, वो ऐसे ही लोगों को इंस्पायर करता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो चर्चा में आज के लिए बस इतना ही, और दिनेश मोहन जी ने जो बातें कही हैं, उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छी लगी होंगी। ज़िंदगी जीने का कोई सही समय या कोई गलत समय नहीं होता है। जिस दिन आपने सोच लिया कि ज़िंदगी खुलकर जी जा सकती है, उसी दिन एक नया सवेरा आ जाता है। फिलहाल चर्चा में आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी और बड़े मुद्दे के साथ, समाज से जुड़े किसी और बड़े सरोकार के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।